दिवाली का त्योहार नहीं होता तो सिलक्यारा हादसे में ज्यादा लोग सुरंग के अंदर फंसते। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि निर्माणाधीन सुरंग के कार्यों में लगे मजदूरों का ऐसा कहना है। जी हाँ, दिवाली के दिन जब देशवासी रोशनी यानी कि दिवाली का त्योहार मनाकर खुशियां बांट रहे थे, तब उस वक्त 41 मजदूर अपने परिवार की खुशी और 2 जून की रोटी के लिए अंधेरी सुरंग में काम करने में जुटे हुए थे। सुरंग में काम करने वाले एक अन्य मजदूर ने बताया कि सुरंग निर्माण कार्य में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग कार्यरत हैं, जो दिवाली मनाने घर चले गए थे। सिर्फ बाहरी मजदूर ही यहाँ बचे थे जो भूस्खलन के चलते सुरंग के अंदर फंस गए। अब इसे किस्मत कहें या बदकिस्मती, उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की मुहिम बीते 15 दिनों से जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की बाधाएं भी सामने आ रही हैं। अब सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हो चुकी है और करीब 30 मीटर से अधिक की खुदाई पूरी कर ली गई है। वहीं 48 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के दौरान जो ऑगर मशीन सुरंग के अंदर डाली गई पाइप में फंस गई थी, उसे प्लाज्मा कटर से काट कर पूरी तरह से बाहर निकाला जा चुका है। अब इस ड्रिलिंग में 48 मीटर से आगे की खुदाई मैनुअल की जाएगी। इसके लिए 6 रेट माइनर्स की एक टीम को सिलक्यारा बुलाया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि माइनर्स बारी बारी से रेस्क्यू के लिए बनाई गई पाइपलाइन के अंदर छोटा सा फावड़ा लेकर जाएंगे और छोटी ट्रॉली में एक बार में 6 से 7 किलो मलबा लाद कर बाहर निकालेंगे। इस दौरान रेट माइनर्स के पास ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और पाइपलाइन के अंदर एयर सर्कुलेशन के लिए ब्लोअर मौजूद होगा। मैनुअल ड्रिलिंग अब की जाएगी और मजदूरों तक सुरक्षित एक रास्ता बनाया जाएगा। कुछ लोग हैं जो हाथ में ऐसी ही छोटी सी मशीन और रेट माइनिंग के जरिए अब उन तक पहुंचने की कोशिश है। क्या नाम है आपका? सदिलोदी जी। और ये मशीन जो है ये किस तरह से काम करेगी? वो पत्थर के लिए है। अच्छा, अगर छोटा पत्थर आता है तो इसे काट देगी? जी। तो आप उस पाइप में अंदर घुसेंगे? हाँ, पाइप में घुसेंगे, मट्टी कच्ची गेंती से खुदेंगे। अच्छा, फिर उसको निकालेंगे बाहर। अच्छा। गड्डी पर रख के तसले बाहर निकलेगी, रस्सा से खींचेंगे। अच्छा जी। तो ये रस्सी से जब फिर आप उसको खींचते जाएंगे तो वो मलबा निकलते जाएगा और इससे मिट्टी की भी खुदाई होगी, पत्थर भी खोद सकते हैं छोटे छोटे। हाँ, नीचे मट्टी निकाल जाए तो मिट्टी पे चलेगा, डायरेक्ट मट्टी पे वो पुलखा मट्टी निकलेगा तो कच्ची से निपटेगा। लेकिन वहाँ कितनी जगह होती है, आप खड़े होकर कर सकते हो खुदाई? नहीं, बैठ के भी और लेट के भी। अच्छा, यानी जगह बहुत कम होती है। छोटा डाला है ना, 800 का डाला। और ये मशीन को कैसे हैंडल करना होता है आपको? तो यूं चलती है। अच्छा, तो ये मशीन के लिए भी जगह बहुत कम है, ये बस 2 या 3 फीट की जगह है। उतनी जगह तो बहुत सी है। अच्छा, और मशीन के लिए तो बहुत है जगह। और आपको बैठ के ही इसको चलाना पड़ता है? बैठ के भी चला, लेट के भी चला सकते हैं। अच्छा जी। तो खोद खोद के रास्ता बनता है। हाँ। तो ये कितना मीटर का वो है पाइप है जिसमें कि आपको? 6 मीटर का पाइप रहता है। अच्छा, और टोटल पाइप डालना है 12 मीटर पाइप डालना है। टुकड़ों में पाइप डालेगा? हाँ, नहीं सिंगल पाइप डालते वो तो। जी, 6-6 के। हाँ। तो ये जो है ये कितनी मीटर तक के आप एक घंटे में खोद लेते हो? ये घंटे में 1 मीटर निकालेगा 500, 1 मीटर 500 मट्टी हो तो 1 मीटर निकाल जाएगा, अंदर 500 निकलेगा। अगर जरा कुछ अगर मान लो उसमें सरिया आ गया, पत्थर आ गया, वो मशीन से कटेगा। अच्छा, कार्यवाही दूसरे हैं वो बड़ी मशीन, और अगर हाथों से खुदाई करनी है तो आप करो। हाँ। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक 20 मीटर से ज्यादा वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है। अधिकारियों की माने तो इस काम में करीब 4 दिन लग सकते हैं। कहा जा रहा है कि मजदूरों को श्रवण कुमार की तकनीक से बाहर निकाला जाएगा। तो अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर श्रवण कुमार वाली तकनीक क्या है। तो आपको बताते चलें कि एनडीएमए के सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद मजदूरों को एक एक करके डलिया में बैठा कर बाहर निकाला जाएगा। ये कुछ श्रवण कुमार की तकनीक जैसा है जो अपने माता पिता को टोकरी में बिठा कर 4 धाम की यात्रा कराने के लिए घर से निकले थे। हो सकता है कि अब श्रवण कुमार की तकनीक से ही मजदूर टनल से बाहर आ सकें। अभी तक 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है, उस जरिए 86 मीटर जाना है, 15 मीटर तकरीबन हो गई है ड्रिलिंग, और इसको चेक किया जा रहा है कितनी स्टेबिलिटी है इसके बाद। ये जो जरिया अगर सक्सेसफुल बिल्कुल कामयाब रहा 86 मीटर तक पहुंचने में, तो आखिर में जाकर टनल का क्रस्ट भी मिलेगा, उस क्रस्ट को भी तोड़ना पड़ेगा और अंदर छेद करके, और फिर इस जरिए 86 मीटर जो है
वो बकेट के तरीके से निकालना पड़ेगा हर इंडिविजुअल वर्कर को। इसकी काबिलियत एनडीआरएफ में हमारे बहुत है, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग की हुई है, एनडीआरएफ वाले जानते हैं इसके बारे में पूरा, तो वो इसको इस तरीके के अंदर बहुत मदद देंगे। जो प्लान हमारा प्लान थ्री था परपेंडिकुलर 170 मीटर का जाने का, जिसके लिए पानी का बंदोबस्त किया गया था, वो प्लान अभी तक अपनाया नहीं गया है, क्योंकि हालांकि तैयारी हो गई है, पूरी साइट की तैयारी हो गई है, मगर जो इक्विपमेंट पहुंचना है वहां पर अभी भी रास्ते में वो कुछ हद तक अभी भी फंसा हुआ है। फंसा तो नहीं है मगर धीरे चल रहा है, उसको ट्रांसफर करना पड़ा दूसरी गाड़ी पर, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां जो हैं वो उस सड़क पे आसानी के साथ आ नहीं सकी, तो दूसरी गाड़ी लानी पड़ी, उसके ऊपर लोड करना पड़ा। अब ये उम्मीद करते हैं कि आज रात को या कल सुबह तक ये वाला इक्विपमेंट पहुंच जाएगा। तो साइडवेज ड्रिलिंग जो है, जो 170 मीटर का फासला कवर करेगी, वो तब शुरू होगी। इस बीच आर्मी ने भी सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का मोर्चा संभाल लिया है, जो सुरंग के दाएं हिस्से में मलबा हटाकर ड्रिलिंग का काम करेंगे। रविवार सुबह इंडियन आर्मी की 20 लोगों की टीम, जिसमें इंजीनियर्स और विशेषज्ञ भी शामिल हैं, ये तमाम लोग मैनुअल ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के जवान भी मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। इन तमाम कोशिशों के बाद अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि सुरंग के अंदर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे इन 41 मजदूरों को आखिर कब तक नया जीवन मिल सकेगा।